मध्य प्रदेश में देश भर में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के पास होने के बाद से हालात खराब होते जा रहे हैं। उत्तर पूर्व राज्यों असम, ये तमाम जो मेघालय, त्रिपुरा जैसे तमाम जो राज्य हैं वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं ठप्पे। पुलिस और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच झड़प में 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इसका भारी विरोध हो रहा है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को भी लगातार प्रदर्शन हुए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जो कि भोपाल मध्य से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके नेतृत्व में भोपाल के पुराने शहर के बुधवारा चौराहे पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। ये एक रैली, एक आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा के दौरान हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और सरकार के इस बिल का विरोध किया था। इसी आम सभा में उन्होंने इस कानून के खिलाफ भोपाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अहिंसा विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में एनआरसी लागू करती है तो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। इस बयान को, यानी कहा जाए कि सबसे बड़ी बात है कि इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस सभा के दौरान ही सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी संबोधित करा और उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया। मैं आपको बता दूं कि जो ये आम सभा थी, उर्जुनान राष्ट्रीय सेकुलर मंच के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार लजा शंकर हरदनिया, सीपीएम नेता और लोक जनमत समाचार के प्रधान संपादक बादल सरोज, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष आशा मिश्रा समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन विधायक आरिफ मसूद के इस बयान ने जरूर राजनीतिक हलचल मचा दी है और इसका आने वाले समय में आपको असर दिखाई देगा।